हूँ ऐसे हजारों विद्यार्थी होंगे जो इस छूट की वजह से और सरकारी नौकरी ले जाएंगे, मैं क्लियर तरीके से बोल सकता हूँ, क्योंकि वो एकदम कहते हैं ना मजे मजे आए हैं, पहले से बहुत मेहनत किया हुआ है उन्होंने। जय हिंद साथियों, इस टाइम की और एक अच्छी अपडेट में से आपको मैं अवगत करा देता हूँ। आपको पता होगा यूपी पुलिस में जो ये सबसे पहले अभी एग्जाम होगा और 27 मतलब आज से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें 3 साल का छूट दे दिया है। कल शाम को मैंने वीडियोस के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि साहब देखिएगा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है और कुछ ही पलों में देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया। आपको पता होगा जैसे कि इसमें 3 साल का छूट दिया है, तो प्रत्येक जो कैटेगरी है उसमें आप जो कम से कम मांगी गई है उसमें से 3 साल माइनस कर दीजिएगा तो आराम से जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको देखिएगा अब आपको फॉर्म स्टार्ट कर देना आज से, 27 तारीख है आज और 27 तारीख आज होने के नाते आपको जो है अब अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। अब फॉर्म के दौरान अगर आने वाली कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जब जैसे ही फ्री हो जाऊँ तो आपको मैं जो है एक विद्यार्थी का जो है फॉर्म भरने के बाद में मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि देखिए किस तरीके से आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसमें देखो डिजी लॉकर का भी मैटर आपके सामने आया होगा, डिजी लॉकर का कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट का जो है डिजी लॉकर से जो है यू नो अपलोड करने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ में उसमें एक और सब आर्टिकल में लिखा गया है कि डिजी लॉकर से अगर नहीं हो पा रहा किसी भी कारणवश तो आप जो है आराम से उसकी फोटोकॉपी लेकर के और उसको भी जो है अपलोड कर सकते हैं। तो देखो डिजी लॉकर एक बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि आपको मैं डिजी लॉकर की एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। जैसे कि आप देखिएगा आप कहीं पर ट्रैफिक में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी को पकड़ लिया गया है, आपसे पूछा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, गाड़ी के कागज़ दिखाइए, तो अगर आप डिजी लॉकर में फ़ोन पर उसे दिखा देते हैं तो वो आपका जो गाड़ी का चालान है वो नहीं कटता है। तो ये डिजी लॉकर की पावर होती है। डिजी लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो फर्जी जो है वो अपलोड नहीं होता, वो आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड से ही अपलोड हो सकता है, उसी से ही डाउनलोड हो सकता है, उसी से वो ओपन हो सकता है। तो ये एक ऑथेंटिसिटी है किसी भी डॉक्यूमेंट की। ये देखिएगा बहुत बहुत समय ऐसा होता है जब आपके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं डिजी लॉकर पर, आपके अप्रूव जो होते हैं डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप उनको डाउनलोड करके भी वहां से दिखा सकते हैं, वो माना जाता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है। तो ये बात है और देख जो है वो आपसे ली जाएगी। और 10,000 नई रिक्तियाँ हर साल के अनुमानित, ये उन्होंने एक इस तरह से जो स्टेटमेंट आया था कि जो 10,000 जो नई वैकेंसी हैं वो आपको हर साल जो मिलती रहेंगी और 25 वर्ष तक के युवा अब कर सकेंगे आवेदन। अब 10 साल हर साल आएगा नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह से इसमें लिखा हुआ है। और बाकी तो यार बहुत अच्छे, देखो महिलाओं के लिए 20,000 पद जो है वो आरक्षित है, मतलब 60,000 टोटल वैकेंसी है उसका, उसमें जो है 20% है ना, तो 20 मतलब क्या हुआ 6 × 12 मतलब 12,000 जो है ओवरऑल जो है 12,000 सीट तो जो है महिलाओं की है, बाकी जो आपकी जो सीट है 48,000 वो सब आपकी है। तो देख कहना चाहूँगा आप अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई भी ढिलाई ना दें। देखिएगा जब जब कोई अपडेट आएगा आपके आने से पहले, आप तक पहुँचने से पहले मैं खुद उससे बता दूंगा, क्योंकि इतने सोर्सेस लगा रखा हूं मैं कि देखिए जो भी कोई नोटिस या कोई भी वायरल नोटिस होता है या फिर विभागीय नोटिस होता है वो तुरंत जो है वो आ जाता है। तो इसीलिए बिल्कुल आप टेंशन मत करना, नई अपडेट के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस के लिए चक्षु प्रकाशन ने भी अपना स्टडी गाइड प्रैक्टिस सेट मार्केट में उतार दिया। आप इस स्टडी गाइड प्रैक्टिस सेट को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप मंगा सकते हैं। स्टडी गाइड के अंदर 3,000 से ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे स्टडी गाइड के अंदर। अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट में देखिएगा 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2,500 से ज्यादा जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए नजदीकी बुक स्टोर से आप जो है चक्षु प्रकाशन की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ये बुक आई है उसे आप जरूर बाय करें, टेस्ट लगाएं और आराम से पढ़ें। डिस्क्रिप्टिव भी बहुत दे रखा है, साथ ही में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको भी अच्छी तरीके से जो है वो समझा रखा है। तो मुझे लगता है कोई भी डाउट बनेगा और बिल्कुल जिस तरीके से यार आपने प्यार और जो एक सपोर्ट दिखाया है अपने भाई के लिए उसके लिए मैं कहना चाहूंगा यार थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, मेरा प्रयास है कि आपको जो नया अपडेट था एग्जाम के रिगार्डिंग वो भी मैंने आपको जो है सूचित कर दिया है, वो भी आपको पता हुआ कि अब देखिएगा 11 तारीख को आर ओ ए आर ओ का एग्जाम था और साथ ही में जो है एक ही पाली में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कराने की बात कर रहे था भर्ती बोर्ड, लेकिन क्योंकि आर ओ ए आर ओ का लगभग 10 लाख विद्यार्थी हो सकते हैं, साथ ही में अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30 से 35 लाख हो सकते हैं। हाँ बाबू एकदम सही कह रहे हैं, 30 से 35 लाख हो सकते हैं, बताओ इतना संभावना कैसे, मतलब सब दिक्कत हो जाएगा। इतना तो मान लो अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर भी जो है आप बना भी लेंगे तो बाकी जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें वो तो वही रहेंगी ना, आने जाने में कितना दिक्कत होगा बाप रे बाप। इसीलिए 11 की जगह 18 को रखा गया है कि 18 के तौर
तौर पर विकल्प जो है पूछे गए हैं कि आपके जनपदों में कौन कौन से जो सेंटर हैं जो 11 को 18 को या फिर सिर्फ 18 को अवेलेबल हैं। तो देखिए पॉसिबल है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 तारीख रहने वाली है, तो आराम से मेरे भाई पढ़िएगा। और जो उम्र जो आपको छूट मिली है भाई, आप ये मान के चलें कि जो आपकी उम्र में जो छूट मिली है ना, मैं लिखित में दे सकता हूँ ऐसे हज़ारों विद्यार्थी होंगे जो इस छूट की वजह से और सरकारी नौकरी ले जाएंगे। मैं क्लियर तरीके से बोल सकता हूँ क्योंकि वो एकदम कहते ना मजे मजे आए हैं, पहले से बहुत मेहनत किया हुआ है उन्होंने, जो ओवरेज हो गए थे। और मैं कहना चाहूँगा यार ये वही व्यक्ति हैं जो ओवरेज हो गए थे और जिनको छूट मिली है, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। क्योंकि 18 से 22 जो पहले मांगी गई थी, देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक नया विद्यार्थी होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं होता जो उनको था, इसीलिए आप उनको सीरियस तरीके से लीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा भाई हर व्यक्ति देखेगा, अब ज़्यादातर इसमें क्या होता है गांव देहात से आते हैं और हर माँ बाप का हर गांव का जो है एक ही सपना होता है यार हमारे गांव से हमारा भाई बहन या फिर हमारा बेटा जो है वो नौकरी लगे। तो इसलिए ये जो रिलैक्सेशन मिला है ना, इसमें आपको जब भी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा फिर इसका रिजल्ट आएगा, बहुत विद्यार्थियों के साथ में मैं खुद इंटरव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये वही है जो ओवरएज हो गए थे, समझ रहे ना। तो इसलिए आपके पास में भाई मौका मिला है और यार एक बार नौकरी लग जाती ना तो टेंशन खत्म हो जाता है हर तरीके से, कोई टेंशन नहीं रहता, आराम से आपकी लाइफ सेट, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, हर तरीके से आप एकदम सेटम सेट हो जाते हैं। चलिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यार आपका चैनल है, बिना लाइक हुए वीडियो को नहीं जाना है। थैंक यू।